आईपीएल 2024 में शुक्रवार को एक ऐसा मैच देखने को मिला जिसमें इतिहास रचा गया। कई सारे रिकॉर्ड्स इस मैच में बने, टूटे और एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसमें सबके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेस तो देखने को मिला ही। T20 आईपीएल की अगर मैं बात करूं, आईपीएल के किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगे वो भी देखने को मिला, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट बैक देखने को मिला, जज्बा देखने को मिला। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार को मुकाबला खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, जहां पर शायद सभी लोग यही सोच रहे थे कि कोलकाता की टीम के आगे पंजाब की टीम कहां टिक पाएगी। पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर थी, कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में 2रे नंबर पर थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ये मुकाबला बिल्कुल ही एक तरफा ना हो जाए, और ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम की बल्लेबाजी काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही थी। पंजाब किंग्स की गेंदबाजी जरूर थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि इस सीजन से पहले कभी भी पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने किसी टीम के खिलाफ 200 रन नहीं खाए थे, यानी कि पंजाब के खिलाफ किसी टीम ने इस सीजन 200 रन नहीं बनाए थे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये चीज भी तोड़ दी थी इस मुकाबले में। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरता है, टॉस पंजाब किंग्स जीतता है, लेकिन क्या ताबड़तोड़ शुरुआत होती है। सुनील नारायण और फिल सॉल्ट जिस ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करते हैं, ऐसा लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स काफी आगे हो गई है इस मैच में, और हो भी गई थी। फिल सॉल्ट 37 गेंदे 75 रन, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। सुनील नारायण 32 गेंदे 71 रन, 222 का स्ट्राइक रेट, और क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, आंद्रे रसल 12 गेंदे 24 रन, श्रेयस अय्यर 10 गेंदे 28 रन। बहुत ज्यादा कुटाई हुई इस मुकाबले में गेंदबाजों की, और ये गेंदबाजों का दिन आज था ही नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोर्ड पर 261 रन लगा दिए 6 विकेट के नुकसान पर, और 262 रनों का टारगेट देखकर तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, पंजाब किंग्स इतना बड़ा टारगेट तो चेज कर ही नहीं सकती, क्योंकि शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा चल रहे हैं सिर्फ, ऊपर से किसी बल्लेबाज ने कुछ योगदान अभी तक दिया नहीं है, तो कैसे ये टारगेट चेज हो सकता है। लेकिन ये जो आईपीएल 2024 में जो हफ्ता है, उलटफेरों का हफ्ता है, जिस तरीके से आरसीबी एसआरएच को हरा देती है, लखनऊ चेन्नई को चेन्नई में हरा देती है, तो भैया कुछ भी हो सकता है इस हफ्ते में। आईपीएल में बच के रहना, बड़ी टीमें खासकर छोटी टीमों को कमजोर बिल्कुल भी मत समझना। तो यहां पर शुरुआत जैसी होती है पंजाब किंग्स की, लाजवाब शुरुआत होती है। 20 गेंदे 54 रन, प्रभ सिमरन सिंह, जॉनी बेयरस्टो, जिनके बल्ले पर जंग लग गई थी, जॉनी कब रन बनाएंगे, अब रन बनाएंगे। जी हां, इंजरी हो गई थी गोल्फ खेलते हुए, और उसके बाद पूरे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में 10 इनिंग्स खेली, 5 मैचों में एक में भी 50 नहीं आई, लेकिन अब जब बल्लेबाजी के रंग में आए तो 108 बना दिए सिर्फ 48 गेंदों में, नॉट आउट, शतक लगाया है जॉनी बेयरस्टो ने। रायली रूसो ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन लास्ट में आकर शशांक सिंह ने क्या बल्लेबाजी की, 28 गेंदे 68 रन, कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। शशांक सिंह इंडियन टैलेंट, प्रूवन टैलेंट, और एक बार फिर से दिखाया भैया, ऑक्शन में गलती हो गई थी लेकिन खेलने में कोई गलती नहीं होगी। 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया, और 8 गेंदे रहते इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया पंजाब किंग्स ने। अब गेंदबाजों की ज्यादा बात क्या करें, गेंदबाजों का दिन था नहीं। सुनील नारायण ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की, हमेशा करते हैं, और शायद पंजाब की जीत का कारण भी ये था, क्योंकि सुनील नारायण को वो रिस्पेक्ट दे रहे थे जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं सुनील नारायण अपनी गेंदबाजी में, वो रिस्पेक्ट दिया, और बाकी गेंदबाजों की खूब धुनाई की गई है, हर गेंदबाज की पिटाई हुई है। गेंदबाजों का दिन नहीं था, बल्लेबाजों का दिन था, लेकिन वे फार बेटर बल्लेबाजी करके दिखाई आज पंजाब किंग्स ने। एक पायदान ऊपर भी चली गई है पॉइंट्स टेबल में, अब 8वें नंबर पर आ गई है मुंबई, 9वें नंबर पर आ गई है। लेकिन पंजाब किंग्स भले प्लेऑफ में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन बाकी टीमों का गेम बिगाड़ सकती है, चाहे आरसीबी हो चाहे पंजाब किंग्स हो, बाकी टीमें इनसे सावधान हो जाओ, ये अब घायल शेर है। खुद चाहे नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन बाकी टीमों का खेल यहां पर बिगाड़ सकती है ये टीमें, तो पंजाब किंग्स से सावधान। इसके अलावा अब एक और सवाल पंजाब किंग्स के आगे बन गया है कि शिखर धवन अगले मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब शिखर धवन आएंगे तो बाहर कौन जाएगा, किसे बाहर बिठाएगी टीम, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। शायद पंजाब किंग्स इसका जवाब जल्द ही ढूंढने में कामयाब भी हो जाएगी। फिलहाल पंजाब किंग्स ने जीत लिया तीसरा मुकाबला आईपीएल 2024 में, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी 5 जीत पर 10 अंकों के साथ मौजूद है दूसरे पायदान पर ही, लेकिन एक सेटबैक जरूर मिला है कोलकाता नाइट राइडर्स को। यहां से कैसे उभर पाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक इंडिया टीवी क्रिकेट को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।